मामा ये इतना ज्यादा सामान क्यों मंगवाया? बेटा वो तुम्हारी बड़ी बहन रिश्ता देखने आ रहे हैं ना, इसलिए सारा सामान मंगवाया, तो उनके सामने कोई शरारत नहीं करनी। ठीक है अम्मी, मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन वो रिक्शा देखने आ रहे हैं तो फिर रिक्शा वाले अंकल को भी बुला ले। चलो जी, और तू कह लारी अड्डे पहुँच गई है बीबी, रिक्शा नहीं रिश्ता देखने आ रहे ने, मुंह बंद करके बही। आज बाजी जी, आज आज ਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਰਾਜ ਚ ਗੱਡੀ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਆਇਓ ਚਲੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਣੀ ਹੈ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਓਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਲੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਜੀ ਜੀ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਹਾਂ ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ। ਆਓ ਆਓ ਬੈਠੋ। ਆਓ ਬਾਜੀ ਜੀ ਆਓ। हेलो बेटा जी, मेरा फोन आया जी। अंकल बात सुने जरा। जी बेटा जी। आज अंकल अंदर अम्मी ने बिरयानी पकाई हुई है, आज। नहीं नहीं पुत्र, बस अल्लाह दे ना दे, 5-10 रुपये अम्मी को ले आ दे। अच्छा अंकल मैं लेके आती हूँ। बात सुने, जाइएगा ना, मैं आऊँ तो आप गए हो। अम्मी जी की है? बाहर मांगने वाला है। अलमारी के दराज में ना पैसे पेन जाकर उन्हें दे दे। सो अंकल ये ले चास चास के 2 नोट। शुक्र है गया, कितना अजीब था ये ना। शुक्र है दादा, सारी सब्जियां छिल गई ने, मैं समय को ना मुर्गी में गा लेनी है। अरूबा मेरी गल सुन जी। अम्मी अरूबा दराज विच ना 2000 रुपया पिया होना है, वो मैनू फड़ा, मैं ना समय को मुर्गी में गा ली है। अम्मी वो तो मैंने फकीर को दे दिया है। तू 2000 रुपये फकीर नू दे आई है? नहीं, टुट पैनी है, मर जानी, तेन मैं कही अलमारी विच पैसे पे ने टुटे, वो फकीर नू दे, तू चुक के 2000 नू दे देता। हुण तेरा प्यो आने वाला, मुर्गी कित्थों लगावांगी, कदों पकावांगी, उन्हें आके मैनू बोलना है। पागल जी तू, तो मेरी जिंदगी विच ना अजाब बन के आ गए, मेरी अखां नू दूर हो जा। अम्मी आपने ही तो बोला था कि उसको पैसे दे दो, तो मैंने दे दिए। बेगम जी सवेर दे मोबाइल नु ही छंबड़े हो, कोई खान पकान दा मूड नहीं हैगा, ते सुबह दी हर एक नु पुछन ते रही है की पकाना है की पकाना है, कोई दसेगा ते फेर। ते बेगम जी मैं किस स्टैचू आ, मेनू इस घर च मुंह कोई नहीं लांदा। अन्याने की इंटरनेट तो डाउनलोड कीती जे मन्नेया तुहाडा नाम उदास है, तुसी ते हर निकली की गल तो उदास होई जांदे हो। वैसे बेगम जी पुठियां गल्लां च ना तुहाडे को कोई जित नहीं सकदा, शैतान दी पुप्पी। चलो हुण थोड़ी तकलीफ करो, मैनू भुख लगी है, पका लो उठ के कुछ। दसो सही पकावां की? उठ जा लाई जे। कल ना मैं कम तो आंदिया बताऊं लेसन, बड़े मजेदार बिल्कुल तुहाडे नाल ਦੇ ਕੂਲੇ ਕੂਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਰਮ ਨਰਮ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਕਾਓ, ਮੈਂ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਸਵਾਦ ਆ ਜੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦਿਨ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਰੇ ਕੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕਾਣੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। अब तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, चुप ना। अच्छा कोशिश करते हो कि तुम्हें बचा लूं, मैं जरा तुम्हारे भाई आलू से बात कर लूं। मुझे एक बात बताओ, तुम कितने बगैरत भाई हो, तुम्हारी बहन को पकाने लगे और तुम अंदर फ्रिज में आराम कर रहे हो। मैं होती ना उसकी जगह तो तुम्हारा कत्ल कर देती। ऐनी कि मुदे पैसे ने खाना पका ही दवा। अरे अल्लाह, अम्मी आ गई हैं, मेरी तरफ से भाई माजरत है, मैं जा नहीं सकी तुम लोगों को।
ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਜ ਮੇਂ ਸੇ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਲੈਣੇ ਆਈ ਥੀ, ਬਸ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੁਝੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਮੱਛਰ ਮਾਰ ਸਪਰੇ ਕਿਉਂ ਪੀ ਕੇ ਮੰਨੇ? ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰ, ਦਵਾਈ ਆਈ ਤੋ। ਮਾਮਾ ਨੇ ਆ ਟੀਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਖੂੰਗੀ। टीवी गिर गया, इसको मैं ना पारी करती हूँ, ये सही हो जाएगा। मैं लगाती हूँ इस पे। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, पर नाम है सलोनी। होए ट्रेन बस और छोकरी इंसान को कहीं पे भी ले जाती है। यार इस टीवी की आवाज नहीं आ रही, जरा भी आवाज क्यों नहीं आ रही? पापा हमारा टीवी खराब हो गया, पापा हमारा टीवी खराब हो गया, पापा हमारा टीवी खराब हो गया। अब बेटा जी क्यों शोर डाल रहे हो, कौन सा टीवी खराब हो गया? वही पापा जो मम्मा कल लेके आई है। हैं? मैं तेरे ओवन दे पैसे देते सा, किधर पड़ा हुआ बेटा? पापा क्या हो गया, ये सामने तो आपके पड़ा हुआ है। और चलिए है तो ओवन दा डब्बा नाले सीधा रिमोट फड़े ही दे देना, केड़ा ओवन चलेगा। चल उठ के सो जा, के सवेरे स्कूल जाने। और जा रही हूँ पापा, मैं माइक्रोवेव ओवन अंदर ले आई थी। अपनी बकवास बंद कर ले, मैं सीजन देख रहा, मुझे तंग ना करिया। मैं यार है पे मेरी गल सुन दे, पहले मोबाइल यूज करन दे, हम बाहर बह के मजाल मां नु आके पूछ रहे अम्मी की होया जे। हाय अल्लाह भाई, अम्मी को क्या हुआ है, अम्मी क्यों रो रही है? हमें नहीं पता, जाके देख ले। मामा जी आपको क्या हुआ है, आपको हाई हो रही है? मैं आपको पा देती हूँ मामा। जिन्ना दिन तक मेनू मान सी कि वो मेरी आवाज सुन के आके मेनू कुटणगे, मेनू पुछणगे, ओना ते पुछया नहीं, ते जिदे उत्ते मेनू कोई उम्मीद नहीं सी, वो बेचारी आके मेनू कुटण लग गई है। वाह रब्बा, अज ते साबत हो गया ते आ जेहो जे भी होन एहसास नहीं हुंदिया ने। आ मेरा पुत्तर मेरे को दे। ग्रैंडमा लैंडेड ऑन प्लेन विद मून। अरुबा बेटा। हाँ जी अबू जी। बेटा ये क्या कर रही हो? अबू जी मैं तो कुछ भी नहीं, बस न्यूज़पेपर पढ़ रही थी ताजा ताजा। अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, बाकी आगे पढ़ लेना। अभी हम तुम्हारी पुप्पो की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे तुम्हारे पापा प्यारे प्यारे कपड़े पहन के तैयार हुए हैं ना, बिल्कुल वैसे ही तैयार होके बाहर आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। अबू आप मुझे दो मिनट दें, मैं 5 मिनट में आती हूँ। अबू मैं हो गई हूँ तैयार, चलें? हैं? शिदाने आदम मेरे कपड़े ने, तू क्यों पाले ने? अबू आपने खुद ही तो कहा था कि मेरे जैसे कपड़े पहन के आओ, अब मेरे पास आपके जैसे कपड़े तो कोई भी नहीं थे, इसलिए फिर मैं यही पहन आई। ओ तेरा बेड़ा तरजे, मैं तेनू लेके नहीं जाना, तू चल अंदर चल। हद हो गई अबू, मैं तैयार हो के आई थी, ना लेके जाओ। पागल, मैं आपके ऑफिस ही चली जाती हूँ, फिर कपड़े तो मैंने आपके पहन ही लिए। बाजी अभी तक आपकी बड़ी पुरानी आदतें हैं। अरुबा बेटा जाए भाई के साथ, आप खेले ना जाके। हाँ अरुबा जाओ। अच्छा मेरी बात सुनो, हम ना ऐसा करते हैं, टीचर टीचर खेलते हैं, मैं टीचर बनती हूँ, तुम स्टूडेंट बन जाओ। हाँ सही है, लेकिन मैं ना पनिशमेंट बहुत देती हूँ। मेरे से गलती होनी नहीं है तो पनिशमेंट क्यों मिलेगी? चलो बैठ जाओ फिर। नहीं हाँ आ जाओ। पहला लेटर है एम। एम फॉर मरी। गलत है, सही तो बताया। बाजी मुझे लग रहा है बच्चे लड़ते हैं पीछे में। नहीं नहीं तेरा व्यायाम है तो।
एन एन नोज नोज ये भी गलत है पागल पागल हो तुम सही बता ही नहीं रे मैं तुम्हारी टीचर हूँ मैं झूठ तो नहीं बोल रही ना बाजी वाजा भी आती है एक बार आए हाय रुक जा पहले मेरी गल तो सुन ले अच्छा चलो मुझे वाइल से कुछ बताओ आप येलो येलो तो नहीं है यार इसको बच्चे को तो कुछ आता ही नहीं है तो मेरा पनिशमेंट तो मिलेगी ना यार अम्मी इनसे फर्श भी साफ करती हैं कपड़े भी धोती हैं सारे दाग उतर जाते हैं तो मेरे मुंह के दाग क्यों नहीं उतर सकते ये ही ट्राई करती हूँ अब मैं एग करनी है अम्मी आपको क्या लगा था कि आप ये चीजें छुपा देंगी तो मुझे मिलेंगी नहीं आपको तो पता है कि ये वाला मेकअप फर्श के ऊपर आप लगाती हैं तो सारे दाग खत्म हो जाते हैं तो मैंने कहा मैं भी लगा के देख लेती हूँ मेरा मुंह भी सही हो जाएगा पागल जाइए तजाब ही ऐ तो जमीन के उ जो निशान होंगे ने लादा वे मुंह तो नहीं लादा तेन किन्ने क्या वे ऐ लाया तो नहीं मुंह उत्ते तेरा मुंह सड़ जाना दे नाल अब तो मैंने लगा लिया अम्मी अब तो मुंह सही हो जाएगा अम्मी जरा रो रही है रोहन बह के अपने जम्मा नालियां नूं ते अपनी किस्मत नूं मैं तेरे प्यो नूं कहने कित्थे लै के जाए तू ते आए दिन कोई ना कोई नवा चन चढ़ाया हुंदा मैं दूसरे वाला ट्राई करके देख लेती हूँ एक तो मुझे घर वालों की समझ नहीं आती स्कूल में हम इसको रोज ऊपर करते हैं और एक होने का सबूत देते हैं लेकिन इनको तो कोई होश ही नहीं है आज इनको मैं बुलाती हूँ और बताती हूँ अबू अम्मी भाई चाचू आ जाओ सारे जल्दी ओ बेटा जी क्या हो गया सारे एक लाइन में खड़े हो जाओ और जो मैं बोलूंगी ना मेरे साथ साथ बोलना ओ बेटा करने क्या लगी हो अब चुप परचम कुशाई होने लगी है पाक सार जमीन शाद बाद अब मुंह बंद कर लिया तू पागल है हर चीज का मजाक बनाया तू छोड़ इनू एक तो इनको मेरी कदर ही नहीं है इससे अच्छा तो मैं कायदे आजम के घर पैदा हो जाती मैं अकेली पढ़ लेती हूँ पाक सार और मुड़ जा तेनू आना पेवा मैं भी साड़ी नींद तबाह की थी चलो बेगम जी सोइए चल के पागल अम्मी जी कल मैंने हाब देखा था कि मैं स्विमिंग पूल में ना डूब रही हूँ इसलिए आज मैं एहतियातन ग्लासेस लगा के सो गई हूँ अच्छा सारी गल छड़ मेरे से लाल शरबत बना के लेके आ अच्छा अम्मी जी मैं बना के ले आती हूँ लेकिन उतनी देर आप ये पहन के रखे ठीक है लाल शरबत किधर पड़ा हुआ है इधर हाँ यही है लाल शरबत ये बनाते हैं लो जी शरबत तो हो गया तैयार शुक्र है अम्मी ने मुझे उठा दिया नहीं तो अभी तक मैं डूब चुकी होती अम्मी को अब दे आती हूँ अम्मी जी ये ले शरबत जो आपने कहा था लाल वाला अम्मी कैसा बना है पहले मैंने गल दस अब बना के कादा नहीं आई अम्मी वो जो किचन के अंदर जाते ही सामने बड़ा कैबिनेट नहीं उधर पड़ी बोतल थी उसी का बना के लाई हूँ पागल जाइए
तेन शरबत डिटोल च फर्क नजर नहीं आता। आपने डिटोल पी लिया तो अच्छी बात नहीं है, आपका जो पेट इतना बड़ा है अंदर जरासीम है वो मर जाएंगे, आप पतली हो जाओगी। अबू अबू मैंने बड़ी डरावनी चीज देखी है वहाँ पे। बेटा क्या हुआ है? आप मेरे साथ हैं। हाँ चलो चलो चलो। अबू जी वो देखे सामने। सामने क्या है? चांद हमारे घर पे आ गए अबू। ओ अन्नी है जाइए तेन चांद नजर आंदा रिंग लैट तेन नहीं पता तेरा भरा टिकटोका बनांदा चांद आ गया दे घर। मुझे लगा सूरज की चांद से लड़ाई हो गई है इसलिए वो यहाँ पे आके छुप गया। इस्तेमाल करया कर जिस दिन तेरी लत बार टूटी ना तू मंजे ते पै गया तेन फिर सुकून आना वे। अम्मे भाई को ऐसे ना बोले प्लीज मैं आपके आगे हार जोड़ती हूँ। भाई बहुत अच्छा है मेरी भी जिंदगी मेरे भाई को लग जाए। अम्मी भाई को प्लीज ना डांटे ऐसे ना अल्फाज इस्तेमाल करे। अबे ले तू अपनी भैन ना की सलूक करना है तो तेरी भैन तेरे से किवें दुआवा मंगन दी है। अज एक होर गल पता लग गई है मैनू भैन ही सिर्फ भरावान का साहस कर दिया ने पर भरावान भैन का कोई साहस नहीं होंगे। आ मेरी धी आइए जनाबे आनी शबो नसीबो वाली लाइक करारा गोल गप्पा। मुझे पता था पुप्पो आप ही हमेशा मेरे लिए गोल गप्पे लेके आती हैं। आए अंदर बैठ के खाते हैं। चल ठीक है मैं आनी हूँ। लो भाई मैं सारा प्लेटा के समान पा देता है हूँ मैं अपने हत्थों तुम्हें गोल गप्पे पढ़ के खवावांगे ठीक है। बाज जल्दी जल्दी कर ना मेरे मुँह च तो पानी आ गई कसमे। ले बाजी है तेरा कब की सोच रही थी एक बात बहुत अगर मेरी तरफ देखे ना मामा बिल्कुल ठीक कहती है कि तेरी पुप्पी का मुंह जो है ना वो गोलगप्पे जैसा। अगर इस गोलगप्पे के अंदर मैं दो उंगलियां मार दूं ना तो ये बिल्कुल आपकी नसों की तरह ऐ तरबियत कीती तू औलाद दी। मेरा प्यो मैनू कहना हुंदा सी एक जिहड़ी औरत हुंदी है ना ओह पूरी औलाद नूं सवारदी वी ते खराब वी करदी है। तू ते अपनी औलाद दा बेड़ा गरक कर दित्ता वे तेनूं नहीं पता चली रही ओहदे पूरे महल्ले नूं जाके कहना मेरी पुप्पी का मुंह गोलगप्पे जैसा है अगर दो उंगले मारो ना तो उनकी नसें बन जाती है। आप तू कभी मैंने ला के रखी नहीं उत्तों औलाद नहीं नहीं सिखाती मैं पागल जिहड़ी तेरी आ हुण मेरे मुँह ना कर लगी तू मैनूं कह रही चल मैं दबा दूं। अम्मे आप भी ना परेशान हो ये पुप्पो तो है ना। वैसे आप ही मेरा एक बात कहूँ ये काली बुनैन तो मुझे दादा अबू की लग रही है। ओहो रूबा क्या हो गया ये दादा अबू की बुनियान नहीं है इसको टैंक टॉप कहते हैं। अच्छा निदा आप ही मुझे तो सर्दी बहुत ज्यादा लग रही है मैं चाय बना के ना पी के सोने लगी हूँ। अच्छा रूबा तुम्हें पता है ना मुझे आइस टी पसंद है तो मेरे लिए आइस टी बना दो। अच्छा बना देती हूँ बन गई अच्छा है शुक्र है। ओहो उसने तो आइस टी कहा था चलो ये कौन सा मुश्किल काम है एक मिनट में बन जाएगी। लो जी ये तो हो गई उसकी आइस टी तैयार पता भी नहीं चला। अभी ये आपकी आइस टी और मेरी टी तैयार। यक अरुबा ये क्या बना के ले आई हो? क्या मतलब क्या बना के लेके आई हो? तुम्हारी मेरी टी में यही तो फर्क है मेरी सादी चाय है और तुम्हारी चाय में बर्फ है यानी कि आइस टी। ओह माय गुडनेस अरुबा तुम्हें नहीं बनानी आती थी आइस टी तो मुझे बता देती
सारा मेरा मूड खराब कर दिया स्टूपिड कहेंगी जो दफा हो जो मेरी नजरों के सामने से। लोग चाय ठंडी होने का वेट करते हैं, मैंने इसको पहले ही बर्फ डाल के दी है, फिर भी मैं ही बुरी की बुरी हूँ। नशुकरी बुलड़ो। आज तो इतने कोई नहीं है, आज तो यश ही होएगी यश। अबू भाई को पता नहीं क्या हो गया, भाई खून की उल्टियां कर रही है, जल्दी से आए। खून दिया उल्टियां? हायो रब्बा की हो गया, मैं हुने वेना। हायो रब्बा की हो गया मेरे मुंडे नु। ओ तेरा बेड़ा तर्ज नशैया फिर पान पे खाने ते वो आके मेनू कह रही है हार्ट अटैक हो गया। ओ कंजरा तू मेनू ले दे जाने कहे दे ना, एक नशई ते दूजी चली किथे। ओ पता हो जा तू। ओए उठ तेनू नहीं मैं छड़ना, तेरी गोटियां करके कुत्तियां नु। ये सही है, एक तो मैं भाई की जान भी बचा रही हूँ, ऊपर से अबू के धक्के भी खा रही हूँ। अम्मी तो सो रही हैं, तो मैं ना एक काम करती हूँ, मैं ना सीढ़ियों की आज सफाई कर देती हूँ, अम्मी थक जाती हैं ना तो उठ के कहाँ काम करेंगी। अम्मी ने परोली पता नहीं कहाँ रख दी है, इसे मैं देखती हूँ। अम्मी ने परोली कपड़ों के साथ ही लटका दी है। कोई हाल नहीं, वैसे अम्मी का ना हैंगर पे लटकाई हुई है। अभी सीढ़ियां साफ करती हूँ। तू उठे की करन दी है? हाय अल्लाह, मेरी नवी शान बदतमीज़ है, मैं परसों जाके 300 दी लिया है बाजारो, तू परोली बना देता है। अम्मी मैंने तो आपका काम किया, मुझे बोलने लग गई है ये ले। हाय हाय कितनी तरती बोए दे विचो, परा कारे नु तेरा पियो आएगा उनु भी एहो जी नवी शान मेनू ले आ दे, नाले तू काम मेरा कटांदी नहीं बतानी है, खबरदार अगर तू घर दे कहे काम नहीं हाथ रहा तो ही अपने कमरे दे विच। तुम लोग तो ना गंदगी में रहने के आदि हो। अच्छी भली मैं सफाई कर रही थी, नहीं करती मैं अब सफाई, रखो अपनी चादर अपने पास। यार ये यूनिक माइक्रोफिल्म्स की टीम कितना फनी कंटेंट बनाती है, इनकी टीम कितनी जबरदस्त है, आई लव देयर कंटेंट। निदा भी मैंने बहुत प्यारा मेकअप करना सीखा है, मैंने आपको आज मेकअप करना है। चलो ठीक है, वैसे भी मैंने आज एक फ्रेंड को मिलने जाना है। तो बहुत प्यारी लग रही है कसम से। हैं वाकई, मैं भी कैमरे में चेक करती हूँ। ये तुमने क्या किया, मेरी सारी शक्ल बिगाड़ दी है, अब मैं क्या मुंह लेके दोस्तों के पास जाऊंगी। अम्मी ये देखे इसने क्या किया। इतना अच्छा तो तैयार किया इसको मैंने, इसको तो पसंद ही नहीं आता जब भी मैं इसको तैयार करती हूँ। लोकी कहीं दे रहे हाजी को काम नहीं करता, इतने गोडे किटे काम नहीं करते तो मैं तो फिर इंसान। अबू जी झूले वाला आया बाहर, मैं झूले ले लूं? और चुप करके भैया घर तू झूले लेन जाना, तेन नहीं पता बाहर कहो जे मुंडे होंदे ने, भैड़ी भैड़ी नजरां ना वेखदे ने कुड़ियां नू, चुप करके घर बह चल। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बाहर जाने देते तो मैं अपना झूला बना लेती। तेरा भला होए, पाड़ लिया हूं खुना। आप ही कहां जा रहे हो, मुझे भी साथ ले जाओ। मैं अपनी फ्रेंड्स की तरफ जा रही हूं और तुम पागल हो, मैं तुम्हें साथ ले जाऊं? आप ही, मैं वहां कुछ भी नहीं करूंगी, चुप करके साइड पे बैठी रहूंगी। हाँ जैसे तुम घर में हमारे साथ करती हो ना, अगर तुमने यही हरकतें वहां पे की ना तो मेरे फ्रेंड्स सब मुझ पे थू थू करेंगे, चुप करके घर बैठो तुम। ये आपी मुझसे कैसे बात करके गई है, मैंने आपी का क्या बिगाड़ा है,
अगर मैं साथ चली जाती तो क्या हो जाना था। मुझे सारे हर काम में पीछे करते हैं। मैं तो सबका भला करती हूँ लेकिन मुझे लगता है मैं इस घर पे बोझ हूँ। इसमें मेरा क्या कसूर है कि अगर मैं इस तरह की हूँ। लेकिन चलो कोई नहीं, मैं सब्र कर लेती हूँ। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला मुझे सिला दे देगा। हाय हाय, इतना ये शोर करते हैं। अभी मैं इनको जरा बताती हूँ कि शोर कहते किसको। हाय हाय रुबा, तू की रोला पाया है। अगे नाल दे ने कट रोला पाया, उन्होंने मकान बना दिया ठक ठक, उन्होंने लाइए उतो तू शुरू कर दी है। की दौरा पै गया तेनू अज। जब तक ये आके माफी नहीं मांगेंगे ना, तब तक मैं शोर करना बंद नहीं करूंगी। अम्मी ये बहुत शोर करते हैं। अब इनको पता चलेगा कि जब अरूबा शोर करती है ना तो कितना हौलनाक मंजर होता है। नी हुन जे तू रोला पाया ने किसी भी शहर नु हाथ लाया तो मैं तेरे हाथ पांदे ने जा के कमरे सो अपने। नींद हराम कीती है मेरी। लो जी ये क्या बात है, इनका फायदा भी सोचो और इनसे डांटे भी खाओ। क्या मैं नहीं करती कुछ भी। तो दार्जिलिंग देख के जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो आपको पता है सूरज की रिएक्शन आपको पता है उसकी स्किल डैमेज होती है। तो घर से जब भी निकले अपनी स्किल को ढाक के निकले, मास्क के साथ कवर करें ताकि आपकी स्किल बची रहे। अरुबा बच्चे मेरी बात सुनो। जी अबू। और बेटा तुम मुझे परसों कह रही थी ना अबू मैंने पार्क जाना है, तो आज मैं काम से ना जल्दी फ्री होके आ गया हूँ। उठो मैं तुम्हें पार्क लेके जाऊँ। वो आज तो मैं फुल मजा करूंगी, पार्क के अंदर अपनी मर्जी के झूले लूंगी। अबू मैं ना बस 2 मिनट में ना फ्रेश होके आती हूँ। हाँ हाँ जल्दी आ जाओ, मैं बाहर बैठू। ओके। लो जी मैं तो फ्रेश हो गई हूँ, अब मैं चलती हूँ पार्क। हाय अल्लाह, नहीं मुझे याद आया मैंने तो अभी सुना है कि बाहर जाना है तो मास्क लगा के जाना है, नहीं तो मिट्टी से सारा मुंह बर्बाद हो जाएगा। मेरे पास तो इतने मास्क पड़े हुए हैं, मैं उनमें से कोई एक पहन लेती हूँ। अब मुझे चलो मैं फ्रेश हो गई हूँ। पागल है तू, एक ही बार क्या आ गई है तू? पार्क से खेडन जाना के लोगों को डरा जाना है? मैं नहीं कहना ला के छोटे नु। हां हां अबू जी क्या हो गया आपको? मैं आपको बताती हूँ, मैं ना आज डॉक्टरों की वीडियो देख रही थी, वो कह रहे थे कि जब भी घर से बाहर निकले ना तो डस्ट से बचने के लिए ना आप मास्क लगा ले, तो इसलिए मैंने ये वाला मास्क लगाया। आप तो एम ही डर गए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं पार्क ऐसे ही जाऊंगी क्योंकि मुझे अपनी ब्यूटी से बहुत प्यार है। आपने मुझे ऐसे नहीं लेके जाना ना, आप मुझे ना लेके जाएं, सारा घर ही पागल है। ये वाला गाना बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे। वैसे भी डांस में मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैडम सरोज, फराहान, रैमो डिसूज़ा, टेरेंस, ये जितने भी हैं ना, ये मेरा डांस एक दफ़ा देख लेना तो ये मेरे तलवे चटेंगे। मैं तो इधर हूँ ना, अगर मैं इंडिया में होती ना तो मैं धूम मचा देती डांस के अंदर। घर में तो कोई भी नहीं है, मैं आज थोड़ी सी डांस प्रैक्टिस कर ही लेती हूँ आवाज़ ऊँची करके। हाय, अभी तो बस सही शुरू नहीं हुई। मैंने जिस दिन माइकल जैक्सन को हाथ में अपना डांस सिखाया था ना, अगले दिन ही दुनिया छोड़ गया था, इतना इनसिक्योर हो गया था ये। हाय अल्लाह। कलर करने का तो बड़ा मजा आ रहा है, मगर मेरे जहन में एक बात आई है। वो बात ये है कि ये जो इस डायन ने बुरका पहना हुआ है, यही बुरका अगर मैं अम्मी को पहना दूं तो अम्मी भी यही वाली डायन लगेंगी। वाह सिंड्रेला कितनी प्यारी है। वैसे यही फ्रॉक अगर मैंने पहना हो ना
तो मैं भी किसी सिंड्रेला से कम नहीं लगूंगी, लेकिन हाथ पे चूहा कैसे रखूंगी यार। नहीं रूबा मेरी गल सुन, फटाफट टेबल साफ कर, मैं ना रोटी लानी है। अच्छा अम्मी कर देती हूँ, पहले आप मेरी बात सुने। हाँ बोल की है। अम्मी आप ना मुझे बाजार से एक चूहा ला के दें और साथ ना अपने साइज का एक बुरका ले के आए। हाय रे तू कितनी तरक्की है, तू चूहा की करना वे, मैं बुरे रखी काम है मेरा। अम्मी आपने पहना हुआ वाला बुरखा और मैंने ना नीली कलर की अपनी और पुरानी फ्राक नहीं है वो पहनी और हाथ पे मैंने रखना चूहा। उसके बाद आप बनेंगी डैन और मैं बनूंगी सिंड्रेला। ठीक क्या है मेनू डैन बनाना, मैं तेरे मुंह ते चपेड़े मारनी नाले किड्डी तू तरक्की है कि तू चूहा हाथ च फंडा में। रूपा मिंडे हरी गल्ला ना कर, मेरा दिमाग खराब कर। तेरी जी सिंड्रेला ने डैरी है ना मैं पाड़ देनी है। अम्मी अम्मी आपने मेरे सिंड्रेला वाले काफी फाड़ने हैं, मुझे इतनी पसंद है। रात को तुझे चूहे फिरते हैं आपके किचन के अंदर, सारा दिन आप उनके साथ किचन में खाने वगैरह पकाती हैं, वो तो आपके दोस्त हैं ना, वहीं पे खाते हैं वहीं पे सोते हैं, अब वो आपको बुरे लगने लग गए हैं। और डैन से आपको क्या मसला है, दादा भी तो आपको कितनी दफा डैन कहती हैं। एक तो मैं तेरी दादी को ना बड़ा तंगा हजार है, अच्छे बच्चे के सामने आज फाज ना यूज करे करो, अनाज तेरी गठन भी सुबह ना कहते मैं खिंच कर सारी बार कर देनी, मेरे से बक बक ना करे कर, जिन्ना काम करे वो कर। अच्छा जी मेरी कौन सी इतनी लंबी जबान है, जिस तरह वो स्नो ब्रॉस की आखिरी चुड़ैल की है जो आप खींचती जाएंगी तो खींची चली जाएगी, ऐसे नहीं होता अम्मी जी, बातें वो मेरे साथ किया करे जो मुझे समझ में नहीं आते। अबू मेरी बात सुने। जी बच्चे। मेरी शादी कब होनी है, मेरा भी ना कसम से बड़ा दिल करता कि मैं भी नए कपड़े पहन के ना दुल्हन बन के बैठूं। देखो बेटा अब आप बड़े हो गए हो, आप बच्चे नहीं रहे, तो मैं नहीं चाहता आपसे कोई बात छुपी रहे। जो आप जैसे लोग होते हैं ना उनको दुनिया बहुत बुरा समझती है, उनसे कोई शादी नहीं करता। क्यों अबू, मैं इंसान नहीं हूँ, मेरे क्यों नहीं होनी भला। बेटा जी मैं आपको प्यार से बोल रहा हूँ ना कि शादी आपकी नहीं मैंने करनी, लोग नहीं अच्छा समझते ऐसे लोगों को, आप क्यों बार बार एक ही बात कर रहे हो। अबू अगर मेरी शादी नहीं होगी तो मैं सारी जिंदगी फिर कहाँ पे रहूंगी। बेटा ये कैसी बात कर दी आपने, आपका बाप है, आपकी अम्मी है, बहन भाई है, आप हमारे पास रहोगे इतना खुश रखेंगे हम आपको। अबू मैं ना एक बात से बहुत ज्यादा डर जाती हूँ कभी कभी, मुझे समझ नहीं आती फिर, लेकिन मैं ना अब अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप दोनों के जाने से पहले ना मैं ही चली जाऊँ इस दुनिया से, क्योंकि मेरा आप लोग के अलावा कोई नहीं है, और अगर आप लोग पहले चले गए फिर तो मैं दर दर रुलूंगी, आप ही अपने घर चली जाएंगी, भाई अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाएगा, और मेरा कौन होगा आप लोगों के अलावा। इसलिए अबू आप फिक्र ना किया करें, मैं पहले चली जाऊंगी, अल्लाह से यही दुआ करती हूँ। ना मेरा बच्चा आपने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना, आपके पापा मामा सब साथ है ना, हम आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगे मेरी जान, आप हमेशा खुश रहोगे इस घर में। अच्छा अबू मैं अब ऐसी बातें नहीं करूंगी, आप परेशान ना हो मेरी वजह से, मैं अपने पापा को बिल्कुल परेशान नहीं देख सकती। मैं ना अभी आपके लिए ना चाय बना के लाती हूँ, आप ना बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे अबू, ठीक है। ऐसी औलाद भी अल्लाह ताला दा तोहफा ही होता है। मुझे एक बात बताओ, गर्मियों में ना अम्मी एक पंखा चलाती हैं, उसकी शक्ल ना बिल्कुल तुम्हारे जैसी मिलती है डिटो, कहीं वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार तो नहीं। रूबा मेनू हुने आंटी बेबी का फोन आया, वो आंदे ने, नाले तू कमरे दी की हालत कर दीती है, आ फटाफट मेरे ना खिलाड़ चुका। आंटी बेबी आ रही है, वो तो समोसे बहुत ज्यादा खाती हैं, और उनका तो इतना बड़ा मुंह है, मुझे लगता है उन्होंने ना साइडों पे गुब्बारे रखे हुए हैं। और अम्मी मैंने तो उनको लास्ट टाइम कह दिया था कि आंटी जितने आप समोसे खाती हैं ना आप किसी समोसे वाले से शादी कर ले। नहीं रूबा मर जा रही हूँ, उन्होंने सामने कुछ ना यहोजा बोली, वो पिछली बार भी मैंने कह दी ही कि रूबा देखो मैंने कहो जी गल्ला कह दी है, चला मेरी धी हूँ फटाफट खिलाड़ चुक लीए। इतना
ਕਾ ਮੇਰਾ ਚੂਕ ਨਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੂ ਨੀ ਅਰੂਬਾ ਬਾੜ ਨਸ ਗਈ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚਾਹ ਰੱਖ ਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਉਣ ਗਿਆ ਏ आज तो मैंने अंदर ऐसी स्प्रे की है ना कि जब आंटियों ने अंदर जाना तो उनको लगना हम जन्नत में आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। क्या हाल है बाजी? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक। ओ चलिए नियर ऊपर जी अम्मी नहीं तू ऐसी स्प्रे की थी है। आपको क्या लगता है कि आप ये छुपा के रखेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? अच्छी चीजें तो आप हमेशा छुपा देती है ना, लेकिन मैं भी अरूबा हूँ, ढूंढ लेती हूँ मैं तो सारे घर के अंदर कर रही हूँ। हाय अल्लाह, तू पूरे कार्य कर रही है। मुझे लगता है इधर जो है ना वो मैंने काम की हुई है। तो बड़ा मजा आया स्पाइडरमैन वाला डांस करने का। अब मैं अपने जाले निकालती हूँ। हाँ, जाला ही नहीं निकला। हाय लॉय, तो मेरा जाला ही नहीं निकल रहा। मैं स्पाइडरमैन बनी हुई हूँ। ये क्या बात है यार? ओ कादारो ना पाया इनाले तुम्हें बनी की है? अब वो स्पाइडरमैन बनी हूँ और मेरा जाला ही नहीं निकल रहा। है शिदेन स्पाइडरमैन वाले कपड़े पा के ना स्पाइडरमैन नहीं बन जाता बंदा। ला के सोटे ना नु तेरे चो नहीं निकलना जाला। क्यों जी? मैंने नहीं उतारना। मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, आप वो करें। की आइडिया? आपके ना टोटल 10 दोस्त है गली के अंदर। आप सबके घर जाएं, उनके घर से ना जाले उतार के लेके आए। मैं वो जाले खाऊंगी, फिर जब मैं स्पाइडरमैन की तरह ऐसे करूंगी ना तो जाला निकलेगा। और आपको पता है इसका फायदा क्या होगा? हम वो सर्कस में भी ये कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। और तेरे खान को कुछ नहीं लगता करो जेड़ा तू जाले खाने ने नाले अपने पैरे पड़े आईडिया ना अपने कोल ही रखिया कर आगे लागे छोटे नु। मुझे नहीं पता है अब मैं खुद ही लोगों के घर जाके ना जाले उतार के ले आती हूं। मगर ले कितों वेली से। हाय बेचारी गोपी को किला किना जुलम करती नते टूट पैनी मर जानी। हाय अल्लाह, तू जराबा नहीं पाइया हले मसा तेन आराम आया मर जानी फिर ठंड लग जाएगी। मेरी गल सुन थले जा फौरन जराबा पा कर जल्दी कर। अच्छा मेरे पैर आती हूँ जराबे चल जा। हाय बेचारी गोपी किनिया गल्ला सुनती रहती है मैं ड्रामा बनाने दे समझ नहीं आई है। मोटा भाभी ने मिलनी चाहिए सी गोपी क्योंकि गोपी शरीफ है ना तो उन्हें शरीफ सस लभनी चाहिए मेरे नाल दी। तो जिहड़ी राशि है ना उन्हें मिलनी चाहिए सी कोकीला क्योंकि राशि आप बड़ी खराब बहू है तो इन्हें मिलनी चाहिए कोई कपत्ती सस जिवें मेरी है। बेचारी तो मेरे हर किस्मत खराब है ना गोपी की। गोपी तो मैं एक दूजे ने बड़ा रिलेट करनी हाँ। नहीं है बन के आ गई है कन्ना से जराबा कौन पांदा है? अम्मी आप खुद ही तो कह रही थी कि ठंड बहुत ज्यादा है तो मुझे तो ज्यादा ठंड कानों पे लगती है इसलिए मैंने कानों में पहन ली है। और वैसे भी मैं बकरा लग रही हूँ ना। ये मैं तेरे मुंह से चंड मारनी है कन्ना से जराबा पा के तू बकरा बन गई है। ला कन्ना तू पैर च पा मैं तेरे कन्न ला भी लेने जो तू मेरी गल ना मनी। अम्मी आप तो लड़ने ही लग जाती है मेरी बात तो सुन ले। पिछली दफा अबू बकरा लेके आए थे ना 1,10,000 रुपए का और इस दफा तो अबू के हालात भी नहीं सही है तो मैं सोच रही थी कि इस दफा ना बड़ी ईद पे मैं बकरा बन जाऊंगी और करूंगी वाह तो आप लोग मुझे ज़िबा कर देना। इस तरह अबू की हेल्प भी हो जाएगी और ईद भी अच्छी गुजर जाएगी। अरूबा जो हूं तू की फजूल बकवास की ना तो मेरे तो भैड़ा कोई नहीं होना। रात का एक रुपया बचता है कि वे दीदे घुमा के पूरे घर च फिर दी है ना कन्ना तो जराबा पैरों च पा दे बिस्तर से आकर लेट जा ए मेरे को मैं तेरे हूने ज़िबा करना। लो जी एक तो भलाई करो आप लोगों की ऊपर से डांटे भी खाओ। मैं तो ईद वाले दिन ऐसे जराबे पहन के ना बकरा मंडी चली जाऊंगी। अब सो जाती हूँ मैं।
हाँ मैं इधर चेक करती हूँ, इधर पड़ी होगी मेरी गुड़िया, इधर ही पड़ी होनी है कहीं पे, इधर तो नहीं मिल रही। हाय अल्लाह, इतना गंदा लैपटॉप रखा हुआ भाई, बिना सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता अपनी चीजों का। मैं काम करती हूँ, इसको ना मैं धो देती हूँ, भाई भी खुश हो जाएगा। लो जी, तुम्हें अब मैंने धो के डाल दिया, इतना गंदा किया हुआ था भाई ने लैपटॉप, अब तुम इधर सूख जाओ, और जितनी ठंड पड़ रही है ना धुंध में, सूख जाना बल्कि और ज्यादा प्यारे भी लगोगे तुम। अब मैं चलती हूँ, और नीचे ना गिरना, इतना महंगा लैपटॉप है, कहीं टूट गया तो मेरे सर पे आना इल्जाम। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬੜਾ ਛੇੜਦਾ, ਨਾਲੇ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਨਬੇੜਦਾ। ਅੰਮੀ ਆਪ ਕਿਆ ਗਰੀਬੋਂ ਕੇ ਮਧੂਬਾਲਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੂਬਾ ਉਂਝ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਸੁਭਾਨ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਰੀਬੋਂ ਕੀ ਮਧੂਬਾਲਾ। ਅੰਮੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਬ ਆਪ ਕਿਚਨ ਮੇਂ ਯੇ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੀ ਥੀ ਨਾ, ਤੋ ਅੱਬੂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਕੋ ਯੇ ਬੋਲਾ ਥਾ। ਆਪ ਤੇ ਬੜਾ ਚਾਹਤ ਪਤੇਲੀ ਖਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੇ ਛੋੜੇ, ਮੁਝੇ ਯੇ ਬਤਾਏ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੇਂ ਕਿਆ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐ ਮੈਂ ਨਾ ਗਲਿੰਟ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਅਦਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਚਮਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕਿੱਡਾ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਵਾਹ ਬੋਤੀ, ਵੋ ਵੋ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਹਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰ। हाय हाय, सूट कितना गंदा हुआ हुआ है, ऐसा लग रहा है 50-60 साल पुराना है। इसको इस्त्री करती हूँ, अभी सही तरह चमका देती हूँ, पकड़ दिया। अरुबा, हाय अल्लाह, ये ग्लिंट मारा थी मेरे नवे कपड़े ने, ये टूट पहने मेरा पूरा सूट खराब कर देते, ऐसे कीता ही। अम्मी आपने खुद ही तो कहा था कि इसके साथ हर चीज चमकने लग जाती है। मर जानी है, शीशे चमकाने लग, कपड़े चमकाने लग नहीं है, तेरा दिमाग काम नहीं करता, तेरे कोई अकल नहीं है। अम्मी ये तो मुझे समझ में नहीं आती, पहले आपने मुझे खुद कहा कि इससे चीजें चमकती हैं, अब जब मैं सूट प्रेस कर रही हूँ उसको चमका रही हूँ, तो आप मुझे बातें सुना रही हो। हाथ धोती है वैसे, नहीं चमकाती मैं। हाय अल्लाह रूबा, तेरे को गंदा दे विच कोई नहीं दे सकता, एक काम कर, अपनी अकल दे भी थोड़ा मान ले, ताकि मेरी जिंदगी भी स्कूल आई है, मेरी भैन ने ड्रेस थोड़ा छोड़ दिया। इस शहजादे को जिस तरह की दुल्हन चाहिए वो सारी क्वालिटीज तो मेरे अंदर हैं। अभी इसको अपना प्रपोजल सेंड करती हूँ मैं। हैं? कितना बगैरा था ये, मैंने प्रपोजल की बात क्या की है तो अब ये मुझे छेड़ने लग गया, सीटियां मारने लग गया। अभी तो मैं बताती हूँ मैं, तुम्हें शर्म नहीं आती, सीटियों पे सीटियां मारी जा रहे हो। अगर तुम्हारी बहन को देख के मेरा भाई सीटियां मारे तो तुम्हें कैसा लगेगा, है बताओ जरा। कितने ढीठ हो तुम, माओ बहनों वाला घर है, बास भी आ जाओ। तुम्हें मैंने पहले भी कई दफा इग्नोर किया, लेकिन तुमने मुझे लगता इस तरह बाज नहीं आना, तुम्हारा इलाज तो मुझे करना पड़ेगा बेटा। ये क्यों है? अबू क्यों है? हाय अल्लाह रुपए की कितनी? अबू ये देखे, तेरा प्रेशर कुकर मुझे देख के सीटियां मार रहा था, मैंने इसको एक दफा मना किया ये नहीं बाज आया, दूसरी दफा मना किया ये फिर नहीं बाज आया, तीसरी दफा मैंने जाके इसको चपेट मारी है, तो ये देखे तूने मेरा क्या हाल कर दिया। ओ शदैने जइए, तेनू वेख के सीटियां नहीं सी मारदा पिया, हांडी पक गई सी ता सीटियां मारदा सी, तू अपनी मां नू दस रही, तू कल तू उतरा दी तेरे जाके। एक तो इस घर में बुरी हरकत होने से रोकूं, और ऊपर से आप लोगों से डांट भी खाऊं, कुछ भी हो जाए ना अरूबा ही बुरी है, बाहर में जाओ तुम सब लोग। लो जी डॉक्टरां दे खर्चे वखरे परवे दे। यार दो दिन हो गए मुझे नींद नहीं आ रही है, अरूबा काका सो जा, अरूबा काका सो जा। नहीं यार नींद नहीं आ रही, क्या करूं? हाय अम्मी की नींद वाली दवाई खा लेती हूँ, फौरन नींद आ जाएगी। हाँ अब नींद आनी शुरू हुई है।
ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾੜਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਪੜਦੇ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? ਅੰਮੇ ਮਜ਼ਾ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਥੀ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੇ ਆਪੇ ਨਾ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੱਤਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪੱਤਾ ਖਾ ਲਿਆ? ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ 100 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ। ਹਾਏ ਅੱਲਾਹ, ਤੁਝੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਸੋਨਾ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੱਟੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਈ ਹੋ, ਅਰੂਬਾ ਨੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਪਤਾ ਖਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਨੀ ਪਰਾ ਹੋ ਮਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੌਣ ਦੇ ਯਾਰ। ਕਿਚਨ ਮੇਂ ਕਿਤਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਅੰਮੀ ਵੀ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੈ। ਜਬ ਖੁਦ ਗਰਮੀ ਲੱਗਤੀ ਹੈ ਤੋ ਏਸੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਅਬ ਮੈਂ ਇਨ ਬਰਤਨੋ ਕੋ ਨਾ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਮੇਂ ਛੋੜ ਆਤੀ ਹੂੰ, ਅੰਮੀ ਵੀ ਘਰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਰਤਨੋ, ਆਜ ਮੈਂ ਤੁਮ ਅੰਮੀ ਕੇ ਰੂਮ ਮੇਂ ਏਸੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੋਏਂਗੇ। ਅਬ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਹਾ ਨਾ ਏਸੀ ਕੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਮੇਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਗਰਮੀ ਮੇਂ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗੀ। ਮੁਝੇ ਤੋ ਇਤਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਜਬ ਅੰਮੀ ਤੁਮ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਸਾਬੁਨ ਲਗਾਤੀ ਹੋਂਗੀ ਤੋ ਸਾਬੁਨ ਤੁਮ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਆਂਖੋਂ ਮੇਂ ਜਾਤਾ ਹੋਗਾ। ਤੁਮ ਲੋਗ ਬੇਚਾਰੇ ਰੋਤੇ ਹੋਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਰੂਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦੁਪੱਟੇ ਪੀਕੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਨੀ ਅਰੂਬਾ ਬਰਤਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ? ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅੰਮੀ, ਬੇਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਮੇਂ ਪੜੇ ਹੋਏ ਥੇ, ਇਧਰ ਏਸੀ ਕੀ ਹਵਾ ਲਗਵਾ ਰਹੀ ਹੂੰ ਉਨਕੋ। ਨਹੀਂ ਅਰੂਬਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 18 ਤੂੰ ਏਸੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਬੋਆ ਵੀ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਿੱਲ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਣੀ, ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਸੇ ਜੋੜਨੇ, ਫੇਰ ਬਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਗਰੋਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਨ ਚਾੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਰ ਬੜੀ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਅੰਮੀ, ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਇਨਕੇ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਵੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਤੋ ਚਾਹਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬਸ ਆਪਕਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚਲੇ, ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੋਤੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮੂਤਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਮ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਗਾਤ, ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤੂੰ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਸੈ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਬਿੱਲੀ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਮਤ ਤੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਖਿਲਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਚੁਕਣੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਮੀ, ਮੁਝੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਕੋ ਬਾਤ ਮਤ ਕੀਜੀਏਗਾ, ਆਏ ਸਮਝ? ਨਹੀਂ ਫਟਕੀ ਪਵੇ ਤੈਨੂੰ, ਉੱਠਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂ? ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਇੰਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ, ਫਜਰ ਲਈ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਸਕੋ ਪਕੜੇਗਾ ਨਾ ਤੋ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਅਫਤਾਰੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਾ ਖੋਲ ਲੂੰਗੀ। ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆ? ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਬਰਤਨ ਧੋ ਰਹੀ ਹੂੰ? ਰੋਜ਼ਾ ਤਾਂ ਅੰਕਾ ਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੁਬਹ ਹਮਨੇ ਇੰਨੀ ਬਰਤਨਾਂ ਮੈਂ ਮਮਾ ਤੈਰੀ ਕੀ ਥੀ, ਤੋ ਜਬ ਹਮਾਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਇਨਕਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਨੀ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮੀ ਆ ਬਾਪ ਨਾ ਵਾਜਿਬੁਲ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਨਕਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੀ ਹੈ, ਉਨਕਾ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਆਪ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਦੱਸ।
ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੀ ਰੂਬਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਅੰਮੀ ਰੂਬਾ ਵੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕੱਟਦੇ ਫੋਨ ਸਬਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਂਦੇ ਅੱਛਾ ਅੰਮੀ ਕਾਟਦੇ ਪਈ ਹੋ ਫੋਨ ਨੀ ਰੂਬਾ अब क्या मैं अब मेरे फोन फड़ा तेरी खाना का फोन आना सी मैं जरा बैक कॉल कर ले आ जल्दी ये ले अम्मी ओए अल्लाह नहीं है कि कितने फोन नो अम्मी आपने खुद ही तो कहा था फोन काट दो नहीं मैं तेरे कॉल कटन नु क्या सी अम्मी आप मेरे साथ जोड़ ना बोले अब आपने कुरान पाक हाथ में पकड़ा हुआ है आपने मुझे खुद ही कहा था कि फोन काट दो ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਐ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿੰਗ ਬੈਲ ਵੱਜਦੀ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਉਂਦੀ ਸਾਂ ਅੰਮੀ ਅਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੈਸੇ ਕਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਰਦੀ ਐ ਰੂਬਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਛੋਡੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸਨ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਕੱਟਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਐ ਵੈਸੇ ਇਸ ਘਰ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕੀ ਐ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਲੀਲੀ ਹੁੰਦੀ खैर ये फोन तो मेरे काम का ना मैं अभी मार्स पे कॉल करती हूँ हेलो स्पेस रॉकेट 869 मैं आ रही हूँ आज तो अरोबा इतने मजेदार समोसे बनाएगी ना कि जो भी खाएगा वो उंगलियां भी अपनी खा जाएगा हैं ये तो जल गए बड़ी बुरी दुनिया वैसे मेरी खूबसूरती देख के ना हर चीज जल जाती है अभी मैं इनको ना जरा ठिकाने लगा के आती हूँ आज नहीं बचते तुम लोग अरुबा हाँ जी ये समोसे कहाँ लेके जा रही हो मैं इनको बाहर फेंकने लगी हूँ जब आप बनाती हो तब तो बड़े लाल लाल निकलते हैं मैंने बनाए हैं तो मेरी खूबसूरती देख के फौरन जल गए हैं पागल तुमसे ज्यादा फ्राई हो गए होंगे इस वजह से जल गए हैं इतनी तुम रहती नहीं खूबसूरत लाओ मुझे पकड़ाओ मैं खुद फ्राई कर लेती शुक्र करो कि तुम लोग आज मेरे हाथ से ना बच गए हो वरना सारी समोसा फैमिली बर्बाद होती जेलस कहीं के ओ कमीज से इस्तरी करके पा लेनी सी ओ पाजगुर तेनू पता ना ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਲੜਨਾ ਹੀ ਸੀ ਆ ਵੈਸੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਬਾਸ਼ਕੂਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੋ ਜੀ ਬਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਅਗੋਂ ਲੱਭਣੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹੋ ਜੀ ਸੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਯਾਰ ਜਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਅਰੂਬਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਕੂਲ ਗਏ ਥੇ आज क्यों रहे हो पागल हो पागल हो तुम मेरी हर बात के ऊपर हंसी जा रहे हो अच्छा मुझे एक बार बताओ तुमने ये कैप क्यों पहनी हुई है कमरे में तो धूप है नहीं तुमने ऐसे बात नहीं आना मुझे तुम्हारा ना इलाज करना पड़ेगा हंसी जा रहे हो ना ढीठ मिठी गया हंसी जा रहे हो लगाई हुई है पागल सदाई ना आप भी मैंने एक चीज नोटिस की है कि सुबह आप नाइट सूट में नमाज पढ़ रही थी और अभी आपकी दोस्त ने आपको बुलाया और आप कितना त्यारशा रोके जा रही हो तो आप क्या अल्लाह के आगे त्यारशार होकर नहीं जा सकती क्या मसला है तुम्हारे साथ एक तो तुम मेरी माँ बन के बैठी रहती हो अपने काम से काम रखा करो मुझे तैयार होना तो मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो रही हूँ वाह जी वाह आपी वैसे बड़ी हैरानगी वाली बात है चार घंटे से ना तुम तैयार हो रही हो जोहर की नमाज भी छोड़ दी है और असर की भी छोड़ दी है और आपको पता है कि ये जो नेल पॉलिश लगाई हुई है ना इससे वजू नहीं होता और जब वजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी नमाज नहीं पढ़ोगी तो ऐसे रोजे का क्या फायदा और अभी आपने दोस्त के घर चली जाना है वहाँ गप्पे मार मार के मगरिब का टाइम हो जाना है और रोजा खुल जाना है लो जी मैं तुम्हें बता के नमाज पढ़ा करूँ मैं तुम्हें बता के घर से बाहर जाया करूँ अजीब अजाम नाजिल हो गया घर पे तंग आ गई हूँ मैं तुमसे लो जी एक तो इनको पते की बात बताओ और इनके पल्ले नहीं पड़ती इनको क्या पता हो कि अल्लाह ताला को हमारी भूख प्यास से कोई सरोकार नहीं है
रोजे में अल्लाह का जिक्र, तकवा, अच्छे ख्यालात और अपने नफ्स पर काबू पाना, ये सब कुछ अल्लाह ताला को पहुंचता है और रोजा कबूल होता है। हाली भूख प्यास काट ली और अफ्तारी कर ली, कोई फायदा नहीं है।